नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश और एक बार पुनः मौजूद हूं आप सभी के बीच में एक खास मकसद को लेकर के, एक खास मुद्दे को लेकर के। जी हां, आप सभी को बता दूं कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी आरडीडी विभाग जो है अक्सर सुर्खियों में रहता है, अपनी अचीवमेंट की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पाडर जो है, पाडर को लेकर के अगर हम बात करें तो पाडर एक दूर दराज क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर अक्सर दिसंबर और नवंबर के समय पर जो है बर्फबारी हो जाती है। और जो सीजनल वर्क आता है आरडीडी विभाग का, यानी खासकर हम बात करें मनरेगा का, जो कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी करता है, तो क्या वो सच में 100 दिन का रोजगार आम व्यक्ति को दे रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी नवंबर महीना जो खत्म होने वाला है और पाडर में कभी भी बर्फबारी हो सकती है और नरेगा का जो काम चल रहा है वो बंद हो सकता है, लेकिन नवंबर का अंतिम महीना होने के बावजूद भी अभी तक ग्राउंड लेवल पर नरेगा का काम कितना चल रहा है, उस सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप परिहार जी जुड़ चुके हैं, जो कि शिवालिक इकोज के रिपोर्टर भी है, जर्नलिस्ट भी है और समय समय पर अक्सर मुद्दों पर बात भी करते रहते। आज हम बात करेंगे उन्हीं के साथ। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राजीव जी, धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे, जैसे मनरेगा में कहा जाता है कि 100 दिन का रोजगार आपको गारंटेड मिलता है, तो सबसे पहले तो ये कितनी सच्चाई है कि क्या सबको 100 दिन का रोजगार मिलता है? राजीव जी, देखिए, बात करें अगर 100 दिन के रोजगार की, तो ये जो है ये सिर्फ एक इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, 100 दिनों का रोजगार जो है लोगों को नहीं मिल रहा है। इस वक्त अगर बात करें, आपको पता है जैसे कि कुछ ही समय के बाद बर्फबारी भी हो जाएगी, अक्सर लोगों की अगर इस वक्त की अगर बात करें तो लोगों को कम से कम महीना 20 दिन महीना हो चुका है जॉब डिमांड दिए हुए, लेकिन अभी तक हैरानगी की बात यह है कि ब्लॉक डिपार्टमेंट पता नहीं क्या करता है। अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि कुछ लोगों की जो जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कुछ लोगों की ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन शो हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने 20 दिन पहले जॉब डिमांड दे के रखी, उनकी अटेंडेंस अभी तक शो नहीं होती है। जब इनसे पूछा जाता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि प्रदीप परिहार जी ने भी कहा, और अक्सर ये बातें इनसे ही नहीं बाकी लोगों से भी सुनाई दी जाती है, बाकी लोग भी अक्सर इन चीज़ों पर बात करते रहते हैं कि जो इंसान मनरेगा में काम नहीं करता है उसको दिहाड़ियाँ चढ़ती है, उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लेकिन जो लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, जो लोग अपना जॉब डिमांड खुद जाके पहुंचाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात है जिस पर जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं आप, जैसे कि पिछले साल की अगर हम खासकर बात करें, क्योंकि आपकी पंचायत अठौरी पड़ती है, तो पिछले साल यहाँ पर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से अटेंडेंस लगाई गई थी, और इस साल जो सुनने में आ रहा है, मुझे भी सुनने को काफ़ी लोगों से मिला कि जो है हाजिरियाँ जो है नहीं लग रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, बात करें अगर हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ पे जो है बैक टू विलेज 5 लगा हुआ था। जब इस बारे में हमने सरपंच से भी, आम जनता कहाँ जाएगी, जनता की कंप्लेंट होगी या सरपंच तक होगी या ब्लॉक डिपार्टमेंट तक होगी, बाकी बाहर तो जा नहीं सकते हैं। जब सरपंच से पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे जो है अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लग रही है, क्या इसका प्रोसेस है क्या, सरपंच साहब का बोलना है कि नहीं, बैक टू विलेज 5 में विजिटिंग ऑफिसर ने कहा कि अगर आपकी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग रही है, आप ऑफलाइन में काम चलाओ। वही बात अगर डिपार्टमेंट के लोगों से कही जाती है कि आप ऐसे ऐसे जो है हमने ऑफलाइन अटेंडेंस लगानी है, तो उनका वह कहना है कि नहीं जी, ऑफलाइन नहीं होगा, आपका 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपकी ऑनलाइन चल जाएगी। मगर हैरानगी की बात यह है कि 3 दिन करते करते आज 20 दिन लोगों को हो गए, अभी तक जो है अभी तक अटेंडेंस नहीं चल रही है, अब इसका प्रोसेस कोई समझ नहीं आती। प्रदीप जी, एक मजेदार वाली बात है कि आपने बताया कि बैक टू विलेज के विजिटिंग ऑफिसर ने कहा, हाँ, वो सरपंच साहब का कहना है। आपका ये कहना है कि सरपंच साहब ने कहा, लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ पर एक, मुझे लगता है जई थे क्या थे वो, लेकिन वो जो है विजिटिंग अफसर को कहीं ना कहीं बदतमीजी से बात करने लगे, जब वो उनकी उस समय नहीं सुन रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनकी इस चीज पर इंप्लीमेंट करेगा? वही हमारा कहना है कि जब एक डिपार्टमेंट का लोग, डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी अगर वो डिपार्टमेंट के लोगों की नहीं सुनते हैं, तो आम पब्लिक की कहाँ सुनेंगे? आम पब्लिक को सिर्फ जो है गुमराह किया जा रहा है, हाजिरी उन्हीं लोगों की लगती है जिनकी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड आगे तक जो पॉलिटिकल अप्रोच होगा या तो फिर कहीं ना कहीं वो बोलने वाले, हाँ, उन लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस भी दी जाती है, उन लोगों को जो है शीट ऑनलाइन उनकी निकाली भी जाती है, और जो अगर ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को जो है पीछे रखा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो जिसका अधिकार है, जिसको वास्तव में मनरेगा की जरूरत है, नीड है, जिसका सिस्टम इस पे पलता है, उनको इस चीज का अधिकार नहीं। देखिए, मैं आपको एक शीट भी दिखाऊंगा, ये कब की जॉब डिमांड लगी, 29/10/2023 की जॉब डिमांड, आज डेट कितनी हो गई, आज होगी 20 तारीख, यानी 29 अक्टूबर को लगाई गई है और आज 20 नवंबर हो गई, अभी तक जो है ये ऑनलाइन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विभाग के जो वहाँ पर मुलाजिम होते हैं वो इस चीज़ को ऑनलाइन नहीं करते हैं।
जानबूझ के वही हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि एक बार जो चीज ऑनलाइन हो जाए तो ऐसा भी आज माना जाता है कि मनरेगा में कि 7 दिन के बाद पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको मीन में ये भी डर रहता होगा कि अगर हम टाइम पे इनकी जॉब डिमांड जनरेट कर दें तो फिर हमें इनको काम भी देना पड़ेगा, हम इनसे काम भी लेना पड़ेगा और ये सारी चीजें हो सकती है, और इस वजह से हो सकता है वो इस चीज को ऑनलाइन ना करते होंगे। फिलहाल इस पे क्या वो है, वो संज्ञान लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। तो प्रदीप जी अभी हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हमेशा ये शिकायतें रहती है, कभी मटेरियल को लेकर आवाज़ उठती है, कभी जो है पेमेंट्स को लेकर आवाज़ उठती है, तो बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन कहीं भी प्रशासन जो गहरी नींद पर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उनका उनका अधिकार बनता है। तो अभी अठौली में क्या स्थिति है मनरेगा की, क्या अभी काम इस प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लोग जो है, मैंने आपको वही कहा कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों की लगभग 4-5 सीटें इन्होंने ऑनलाइन निकाली हुई है, जो आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं, 4-5 सीटें हैं। वो 5 सीटें वही खास लोगों के हैं जो इनके दायरे में आते हैं, सेटिंग में है, उनकी सीटें जो है ऑनलाइन निकाली गई। और बाकी लोग जो है, बाकी लोगों को इन्होंने यही हौसला दिया कि नहीं, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपकी सीट रुको हो जाएगी। तो मतलब, लेकिन अभी मतलब तक नहीं। यहाँ पर प्रदीप जी जानने वाली बात ये है कि अगर अटेंडेंस नहीं लग रही ऑनलाइन और ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद लग रही है, तो फिर उन लोगों की सीट जैसे जनरेट हो रही है? वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 4 दिन के, मान के चलो अगर 4 दिन के बाद ये सीट जो है ऑनलाइन करते हैं, तो 4 दिन के बाद अभी ऊपर से कोई भरोसा नहीं, ऊपर वाले का कब जो है बर्फबारी गिर जाए, तो उसके बाद इन्होंने लोगों ने यही बोला है कि नहीं जी आपकी शीट जनरेट नहीं हुई, अभी बर्फबारी हो गई, अब काम नहीं होगा। लास्ट पे वैसे करते करते जो है मार्च इन्होंने फाइनल कर देना है, तो लोगों को फिर जहाँ है वहीं पे रखना है, लोग फिर जो है खजल हो जाएंगे। प्रदीप जी देखो, एक इसी स्थिति को ठीक करने के लिए लोकल गवर्नेंस जो है लाया गया, पंचायती राज लाया गया, और पंचेज और सरपंचेज को जो है पूरे अथॉरिटी दे दी गई, पूरी पावर्स दे दी गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग हम लोगों को आगे रिप्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे, वो डिपार्टमेंट्स अच्छी तरह से काम नहीं ले पा रहे? इसी बात का तो हमें रोना है कि अगर यहाँ पे सरपंच को बनाया है हम लोगों ने, उसको बनाया है, मेम्बरों को बनाया, ये चीजें जो है आम जनता की जगह उन्होंने उजागर करनी चाहिए। मगर हैरानगी की बात ये है कि वो लोग अपने घरों में बैठते हैं तो बाद में आवाज़ जनता को उठानी पड़ती है, जनता की आवाज़ उन जो है यहाँ पे अधिकारी हैं, चुने हुए नामुंदे हैं, उन्होंने जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, मगर उनकी जगह पब्लिक उठा रही है, ये हमारी सबसे ज़्यादा बदकिस्मती। जी हाँ, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से अक्सर जो है आप लोगों को देखते हैं कि सरपंच जो है ये बात बताते हुए दिखते हैं कि यार हमारी जो है सुनवाई नहीं होती है। लेकिन साहब एक चीज़ मैं आप सभी जनता को अवेयर करना चाहूँगा, अपने सभी दर्शकों को, कि आज की डेट में पंचायत में जितने भी वर्क होते हैं उनको जो पास करने वाला जो अथॉरिटी, जो सिग्नेचर होता है, वो सरपंच का होता है। अगर एक सरपंच सही तरीके से अपनी उस पावर का इस्तेमाल करे तो कौन आपकी सुनवाई नहीं करेगा, ये भी एक बड़ा से बड़ा प्रश्न है। फिलहाल प्रदीप जी से जाना चाहेंगे, प्रदीप जी अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्या आप कहना चाहेंगे? डिमांड हमारी यही है कि जहाँ जिन लोगों ने यहाँ पे जो है काम के लिए जो एप्लीकेशन दी हुई, जॉब डिमांड दी हुई, इनकी जल्द से जल्द जो है इनको ऑनलाइन करें। अगर आपको अगर ऑनलाइन करनी है आप टाइम पे उनको ऑनलाइन करें, अगर ऑनलाइन नहीं हो रही, आपके ऐप में प्रॉब्लम आ रही, कुछ आ रही है, आप उन लोगों को बोल दीजिए कि जो है आप ऑफलाइन में अटेंडेंस लगाए, वो लोग अपने काम भी करेंगे और ऑफलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। प्रश्न तो यहाँ पे ये भी उठता है ना कि कुछ लोगों की, जैसे आपने कहा कि 3-3, 4-4 सीटें निकल गई, वही मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए वेब पे कैसे चल रही है, उनके लिए अटेंडेंस कैसे चल रही है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मतभाव भेदभाव जो है हो रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ, दोहरा जो नीति अपना रही है। ये चीजें आज आप खुद भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन आप खुद भी देख सकते हो किस किन किन बंदों की जो है ऑनलाइन अटेंडेंस जो है शो कर रही है और किन लोगों की नहीं कर रही है, वो आप खुद भी देख सकते हो। आज ऑनलाइन सिस्टम है, हर कोई जो है खुद देख चेक कर सकता है। तो मगर हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों के बावजूद ये चीजें हो रही, उसके बावजूद भी जो है ये घोटाले जो है बड़े बड़े हो रहे हैं, समझ नहीं आती क्या है इनका सिस्टम। तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि मैं एक बार फिर से कहूंगा कि प्रशासन जो है बिल्कुल गहरी नींद में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आम जनता की आवाज क्या है, और हमारे यहाँ के नेतृत्व, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट पे ऐसे ऐसे अटेंडेंस लगाई जाती है, जैसे आपके आपको भी पता है कि पिछले साल इन्होंने बर्फबारी के टाइम पे काफी 1.5 फुट बर्फ गिरने के बाद एक जगह पे ऐसी जगह दिखाई थी जहाँ पे इन्होंने हगेउड की बात, जहाँ पे 100 दिन निकाल दिए थे, तो लास्ट पे ऐसा ही कुछ ड्रामा जो है देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है मिलाउस जो है, ये सिस्टम जो चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ये आप ही शब्द में नीचे जाके कमेंट में लिखे कि सिस्टम को आप क्या कहोगे, क्योंकि अगर हम कहेंगे ना तो ये बात एक अलग से हो जाएगी, एक अलग से, तो कि जनता जनार्दन है, आप लोग तय करें और कमेंट में जाकर लिखें यार कि इस सिस्टम को आप क्या कहोगे, ऐसी जगह पर जहाँ पर 3-3, 4-4 फीट जो है बर्फ पड़ जाती है और उस टाइम पर वहाँ की सीटें जनरेट हो जाती हैं, ऐसे लोग जो लोग काम ही नहीं करते हैं, जो कभी कोई नहीं आता उनकी सीटें जनरेट हो जाती है, और ऐसे लोग जिनको नीड है वो जाते हैं अपनी जॉब डिमांड देते हैं, अपना सारी फॉर्मेलिटीज पहुंचाते हैं, उसके बावजूद जो है उनकी जॉब डिमांड्स नहीं लगती है, उनको फुल की पूरी की पूरी पेमेंट्स नहीं निकलती है। फिलहाल इन सभी चीज़ों पर जैसे कि प्रदीप जी ने कहा कि हमारे यहाँ के नेतृत्व, हमारे पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस के जो मुख्य है, सरपंचेज है, पंचेज है, इन लोगों को इन चीज़ों पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, लेकिन बोल नहीं पा रहे। मैंने आपको अभी दिखाया कि 25 तारीख से जो है जॉब डिमांड 25 तारीख की लगाई हुई है,
लेकिन आज तक जो है वो ऑनलाइन नहीं हुई। प्रदीप जी, एक चीज और भी जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जब भी जॉब डिमांड लगती है तो जॉब डिमांड के साथ में नीचे एक रिसिप्ट होती है, तो वो रिसिप्ट क्या लोग रिसीव नहीं करते होंगे? राजेश जी, बात करें रिसिप्ट की, ये लोग जो है आपको पता है जीआरएस लोकल होते हैं यहाँ का, और वहाँ पे लोकल में सरपंच पंची सारे लोकल में इन लोगों से जो है रिसिप्ट नहीं मांगी जाती है। लोकल में एक विश्वास होता है कि चलो अगर सरपंच ने स्टैंप लगा दी, मेंबर ने स्टैंप लगा दी, लोग क्या काम करते हैं उसका फोटो उठा के अपने पास रखते हैं कि भाई हमने जॉब डिमांड दे दी है। उसके बाद 20-20 दिनों तक, जैसे आपको मैंने दिखाई अभी 20-25 लोग बेचारे ऐसे हैं जिनकी जॉब डिमांड 20 तारीख से लगी हुई है, 25 लोग हैं ये, लेकिन अभी तक जो है इनको ऑनलाइन नहीं किया गया। और अभी अगर बात करें बड़े काम, हम आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं जहाँ पे अभी काम नहीं लगा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी शीटें जनरेट जो है हो गई है, ऑनलाइन अटेंडेंस इनको शो कर रही है। क्या हैरानगी की बात है, क्या देखने वाली बात ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ का प्रशासन या यहाँ के वो जो अधिकारी लोग हैं सच में हरकत में आते हैं या फिर वो भी आंख मूंद करके बैठते हैं? अगर वो आंख मूंद कर बैठते हैं, अगर वो इस पर एक्शन नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इसमें है और वो भी लोग है इन चीज़ के बारे में पूरे अवेयर है लेकिन उसके बावजूद इस पर एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो कहने की बात ये की है कि हम जो है मुद्दा जो है ये जनता का है, मुद्दा ना तो प्रदीप परिहार जी का है ना तो मेरा है, जनता मुद्दा का है, आम व्यक्ति का, जिसको इसकी जरूरत है। आज प्रशासन को चाहिए, आरडीडी विभाग को चाहिए, मनरेगा में जो भी वर्क हो रहा है वो टाइमली हो, वो टाइमली जॉब डिमांड्स लगे, टाइमली उनको शीट जनरेट हो और टाइमली उनको उसका पैसा मिले। पहले तो मनरेगा में दिहाड़ी दी जाती है 100-200 रुपए के आसपास की दी जाती है, तो ये बहुत मिनिमम है, लेकिन इस मिनिमम को भी अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो ये हमारी नालायकी है। हमारे पास आज BDC, DDC, सरपंच, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लगभग 62 लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इसको चला नहीं पा रहे, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम यहीं पर विराम लेना चाहेंगे और एक बार पुनः प्रशासन से हम जो है रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस चीज़ पर जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई जाए कि यार जिसकी जॉब डिमांड आ रही है उसको टाइमली लगाया जाए। और दूसरी में अपनी जनता से भी प्रशासन जो है वो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर अपना टाइमली अपना जॉब डिमांड चाहिए तो आपको किसी पर भरोसा नहीं करने की जरूरत है। आप अगर वो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो आपको भी उन पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब भी अपनी जॉब डिमांड लेके जाएं डिपार्टमेंट में, वहाँ से नीचे से रिसिप्ट ले लें, सिग्नेचर विद स्टैंप अपनी रिसिप्ट ले लें, ताकि आप उस पर जो है आगे जो है लीगल कार्रवाई भी कर पाए। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और मनरेगा में किस तरह से घोटाले होते हैं, किस तरह से क्या ये चीज़ें होती हैं, उनको हम आगे और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।